हिंदू धर्म में ग्रहों को भी देवताओं के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है। इनकी पूजा प्रार्थना कर इनको खुश या राशि पर पड़ने वाले प्रभाव को कम या ज्यादा करने में हिंदू धर्म में विश्वास किया जाता है। ग्रहों से संबंधित कई मंदिर भी हमारे देश में मौजूद हैं, जिनमें से एक मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। नाम है मंगलनाथ मंदिर, जहां कुंडली में मंगल दोष को शांत करने के लिए लोग आते हैं। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ स्थान पर होता है या जो लोग मांगलिक होते हैं, वो इस दोष के निवारण के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ के लिए आते हैं। यहाँ भात पूजा की जाती है, जिसमें पके हुए चावल का उपयोग किया जाता है। मंगलनाथ मंदिर के अलावा ये पूजा अन्य किसी भी मंदिर में नहीं की जाती। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। अंगारक चतुर्थी और मंगल प्रदोष आदि अवसरों पर यहाँ पर भात पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। क्या है मंगलनाथ मंदिर की पौराणिक कथा? शिव पुराण के अनुसार अंधकासुर नाम का एक महापराक्रमी दैत्य था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके खून की बूंदों से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। इस वरदान को पाकर वो धरती पर उत्पात मचाने लगा था। क्रोधित होकर भगवान शिव ने उसे युद्ध के लिए ललकारा था। दोनों में भयानक युद्ध हुआ था। इस दौरान भगवान शिव का पसीना बहने से धरती फट गई थी और उसमें से मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। मंगल ने अंधकासुर के रक्त को सोख लिया था और फिर उस दैत्य का अंत कर दिया गया था। माना जाता है कि जिस स्थान पर भगवान शिव का पसीना गिरा था, उसी जगह पर मंगलनाथ मंदिर स्थापित हुआ। ये मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन इसके जीर्णोद्धार का पूरा श्रेय सिंधिया राजघराने को जाता है। मंगलनाथ मंदिर में भगवान शिव ही मंगलनाथ के रूप में विराजमान है। मंदिर में गर्भगृह में भगवान शिव एक शिवलिंग के रूप में स्थापित है। वैसे तो संपूर्ण उज्जैन ही सनातन ज्ञान का एक महान केंद्र है, लेकिन महाकाल मंदिर और मंगलनाथ दोनों ही खगोल अध्ययन के केंद्र भी माने गए हैं। भगवान मंगलनाथ का इतिहास, कहा जाता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है। भक्त यहाँ मंगलनाथ को भगवान शिव के रूप में पूजते हैं। मंगलवार के दिन दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु चले आते हैं। यहाँ होने वाली भात पूजा को भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भात पूजा करवाने से कुंडली के मंगल की शांति होती है और मांगलिक दोष से ग्रस्त व्यक्ति के सारे काम निर्विघ्न पूरे होते हैं। भगवान मंगलनाथ का महत्व, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में की गई नवग्रहों की पूजा से विशेष लाभ मिलता है। यहाँ शांत मन से की गई पूजा अर्चना से उग्र रूप धारण किया मंगल भी शांत हो जाता है। सामान्य दिनों में यहाँ सुबह 6 बजे से मंगल आरती होती है, लेकिन मंगलवार को यहाँ भक्तों का विशेष तांता लगता है। मंगल की शांति, वाहन और भूमि आदि के सुख की प्राप्ति के लिए भक्त यहाँ भात पूजा करते हैं। कैसे पहुंचे मंगलनाथ मंदिर? उज्जैन में भी हवाई अड्डा है, लेकिन यहाँ का सबसे नजदीकी व्यस्त हवाई अड्डा अहिल्याबाई होलकर इंदौर है, जो यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर के इस हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल और कोलकाता जैसे शहरों के लिए नियमित उड़ाने हैं। उज्जैन पश्चिम रेलवे जोन का एक व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यहाँ से भारत के सभी बड़े शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। उज्जैन जंक्शन से मंगलनाथ मंदिर की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। इसके अलावा उज्जैन सड़क मार्ग से सभी शहर जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की शानदार सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग उज्जैन को इंदौर, भोपाल, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, ग्वालियर, कोटा, जयपुर और ऐसे ही बड़े शहरों से जोड़ते हैं। तो आपको भी अगर अपना मंगल दोष शांत कराना है, तो फिर पहुंच जाइए मंगलनाथ मंदिर, पूजा करवाइए और अपने मंगल दोष को शांत कर लीजिए। वैसे इस मंदिर के बारे में आप क्या पहले से जानते थे? क्या आपने भी कभी इस मंदिर में पहुंचकर अपने मंगल दोष को शांत करवाया है? अगर नहीं और अभी भी हैं अपने मंगल दोष से परेशान और नहीं मिल रहा है कोई समाधान, तो अभी मंगलनाथ मंदिर पहुंचने की तैयारी करिए और अपना आगे का जीवन सुख से बिताइए।